सुंदर पार अपने फैशन के जलवे दिखाने के बाद रेड कारपेट पे मल्लिका पहुंच चुके हैं जूम के रेड कारपेट पे। मल्लिका सबसे पहले बताइए जूम का रेड कारपेट आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अपना देसी रेड कारपेट में जो वार्मथ है, जो अपनापन है, वो किसी और रेड कारपेट में हो ही नहीं सकता। फोटोग्राफ्स हैं जिसको मैं आपको दिखाऊंगी और मैं चाहूंगी कि आप उसे जज करें कि ये क्या ठीक है रेड कारपेट के लिए, या बेटर हो सकते थे, कम हो सकते थे। मैं जज नहीं कर सकती क्योंकि फ्रैंकली मैं कोई डिसीजन लेती नहीं रेड कारपेट के लिए। मेरी स्टाइलिस्ट की टीम है, देयर इज अ होल टीम, हेयर ड्रेसर, मेकअप मैन, स्टाइलिस्ट, माय पर्सनल असिस्टेंट, माय वार्डरोब असिस्टेंट, सो दे ऑल डिसाइड। एक्चुअली आई एम द रॉन्ग पर्सन टू जज, मुझ में जज करने की क्षमता ही नहीं है। फिर भी कुछ कमेंट्स तो दे सकती हैं। या सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तैयार रखा आपने? ऑफकोर्स टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा तैयार रखना पड़ता है। सबसे पहले ये हम मेरे पास एक फोटोग्राफ है, इस पे मल्लिका के क्या कमेंट्स होंगे? दिस इज एब्सोल्यूट परफेक्शन। आई लव द हेयर, आई लव द कॉन्फिडेंस, द मेकअप इज ब्यूटिफुल एंड साड़ी इज ऑलवेज सो ग्रेसफुल। आई लव इट। आई रियली लव साड़ी। यस, आई लव अ साड़ी। सेकंड मेरे पास फोटोग्राफ आया है ये वाला। सब रेड कारपेट के ही हैं क्योंकि आप उसके एक्सपर्ट हैं। अच्छा है ये भी। आई लाइक इट। अच्छा है। इट्स रियली नाइस। या अगर आप सोच रही हैं आपको मुझसे कुछ कंट्रोवर्शियल सवाल मिलेगा तो वो नहीं मिलने वाला। आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू बेब। कंट्रोवर्शियल बिल्कुल नहीं, बट जैसे आपने आई थिंक इट्स नाइस। या अच्छा है ये। इट्स अ वेरी यू नो डिफरेंट नेक लाइन एंड आई लाइक कि आईज बहुत सटल हैं एंड मेकअप द लिप्स आर कमिंग आउट। दिस इज नाइस। द हेयर इज ऑल्सो गुड। ओके, थर्ड मेरे पास एक और है रेड कार्पेट की फोटो। आई लव हर। तो इस फोटो के बारे में आपका क्या? आई लव हर, इट्स रियली नाइस, बट पर्सनली मुझे ये ड्रेस नहीं इतनी अच्छी लग रही बिकॉज रेड कार्पेट पे आई डोंट नो, ये जो मिडिल पोर्शन है ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ओके, यू नो इट शुड बी ऑल लाइक अ फ्लो, लाइक अ सॉन्ग, नथिंग शुड डिस्ट्रैक्ट। सो आई थिंक ये मिडिल पोर्शन बहुत मेरे लिए बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मुझे। अदरवाइज द हेयर इज नाइस, द मेकअप इज नाइस। इस आउटफिट के बारे में बात की जाए तो क्या होना चाहिए था? क्या आई थिंक दिस शुड हैव बीन, आई थिंक ये मिडिल पोर्शन जो इतना, अगर आप कोई भी रेड कारपेट पे इतना फ्लफी चीज़ पहनेंगे तो आपकी बॉडी बिग लगती है उसमें। एंड कैमरा एंगल अगर करेक्ट ना हो, फोटोग्राफर हर एक जगह से फोटोग्राफ लेते हैं, यू नो। सो इफ़ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं है, आप रेड कारपेट में हैं, आउटडोर में हैं, सो दिस नीड्स टू बी बॉडी फिटिंग। सो द शेप ऑफ द बॉडी इज नाइस, द पिक्चर्स कम आउट नाइस। ध्यान में रखा जाएगा इन बातों को। एंड एक ये है मेरे पास ऐश्वर्या राय बच्चन। आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस। आई थिंक आई लव द आउटफिट। आई लाइक द आउटफिट अ लॉट। आई लव द हेयर। इट्स नाइस, इट्स प्लेजेंट, डेफिनेटली आईड से। एंड इट शोज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। दैट्स ट्रू, अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। या एंड आई एम ऑफ कोर्स, हु डजंट लाइक हर? आई मीन वी आर ऑल हर फैंस, वी हैव ऑल ग्रोन अप सीइंग हर। वन मोर ऐश्वर्या प्लीज। ये तो खुद ही एक्सपर्ट है, मुझे इनसे टिप्स लेनी चाहिए। इनको कैसे टिप्स दे सकते हैं? पॉपुलर आप है रेड कार्पेट के लिए। आई पर्सनली, ये मेरा पर्सनल टेस्ट नहीं है। आई डोंट लाइक आउटफिट्स जो यहाँ से बंद हो जाती हैं, मुझे उसमें क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है बहुत ज़्यादा। मैं यूजली ऐसी खुद आउटफिट्स नहीं पहनती, कैरी भी नहीं कर सकती। ये जो नेक लाइन है ये बहुत यहाँ से शुरू होती है, विच आई डोंट लाइक। मे बी इट कुड हैव बीन अ लिटिल राउंडर, और वी हो सकती थी तो उससे थोड़ी स्लिम लुक आती है वी से, पर्सनली फॉर मी। बट आई डोंट नो, ये मुझे बहुत आउटफिट झिलमिल टाइप लगती है। Too much going on. Okay. तो जब आप किसी आउटफिट का सिलेक्शन करती हैं कि मुझे ये पहनना है, तो आप क्या देखती हैं कि मैं उसमें स्लिम दिखूँ, कैसे दिखूँ? आई मीन ये सब भी चीज़ें आपको रहती हैं, या जो डिजाइनर ने दे दिया सिर्फ वो रहता है? आपकी कितनी च्वाइस रहती है? मेरे मूड पे डिपेंड करता है रियली, और मुझसे भी ज़्यादा मेरे स्टाइलिस्ट के मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा। जो मेरा फेवरेट स्टाइलिस्ट है इवान बिटॉन, फ्रेंच है, और जेफरी पॉल जो मेरा मेकअप आर्टिस्ट है, उन दोनों के मूड पे डिपेंड करता है। Both are my very close friends and I absolutely go by them. तो जो आपको दे दिया उन्होंने सजेस्ट कर दिया वो? Absolutely. Agree कर दिया. Yeah. So that's, मेरी इसमें ज़्यादा चलती नहीं. They tell me just shut up and model the dress for us. Okay. So I just shut up. और आप सुन लेती हैं? बिल्कुल. इसमें तो आपको बताना ही पड़ेगा कि बेस्ट कौन है और क्यों? Of course. Best is the girl in the center. Reason क्या? I think first of all gold always stands out. When you go to any red carpet, जो इंडियन स्किन टोन है उसके लिए जो एक गोल्ड कलर होता है, इट ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्स द इंडियन स्किन टोन, वेयर इज ब्लैक ऑलवेज पुल्स द इंडियन स्किन टोन डाउन। ब्लैक जो है पर्सनली ऑन मी ऑल्सो एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन स्किन टोन, उन पर फोटोग्राफ्स अच्छे नहीं आते ब्लैक कलर आप डालें तो। इट पुल्स द योर ओन कम्प्लेक्शन डाउन।
एंड दिस वाइट आई लाइक द कलर बट आई डोंट लाइक दिस आउटफिट फॉर मी. ये बहुत यहाँ पे बिजी है, ये क्या है, ये इतना बड़ा यहाँ साइड में कन्फ्यूजन है, ये मुझे कन्फ्यूजन है, नजर नहीं आ रहा है. ओके, बट एज आई थिंक दिस इज सेक्सी ऑल्सो, ग्लैमरस ऑल्सो, यू कैन सी द वेस्ट लाइन एंड इट्स वेरी रोमांटिक ऑफ द 50s. ओके, तो बेस्ट अवार्ड जाता है सेंटर. मैं तो सेंटर ही दूंगी, आई एम अ लिटिल बायस्ड ऑल्सो. ओके, एक आखिरी पिक्चर में, पर दुनिया की, पर इंडिया में कोई मम्मी नहीं चाहेगी कि उनकी बेटी ये ड्रेस डाले रेड कार्पेट पे, बिल्कुल भी नहीं. मेरी मम्मी भी नहीं चाहती. तो इसका क्या उपाय है, क्या किया जाए फिर? मैं मम्मी की सुनती नहीं सुनने का मम्मी. ओके, एक लास्ट है जो रेड कार्पेट से ही मुझे मिली है. ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आया हमें. ये मेरी फेवरेट डिजाइनर है, स्टेला मैकार्टनी. उनका गाउन है ये. आई लव द वे स्टेला डिजाइन्स द क्लोथ्स. इट्स वेरी ग्लैमरस, इट्स सेक्सी, बट यार इट्स कवर्ड. इट गिव्स एन इल्यूजन दैट यू कैन सी स्किन बट यू रियली कैन नॉट. एंड ऑफ कोर्स आई एम डांसिंग विद एंटोनियो एंड वी आर हैविंग अ गुड टाइम. काफी चर्चा हुई थी इस डांस की और आपके इस फ्रेंड की, सो विच इज गुड फ्रेंड्स. ओके, तो मतलब ये बताइए कैसा लगा ये जूम का रेड कार्पेट आपको? बहुत अच्छा लगा. अपना देसी रेड कार्पेट में जो वार्म्थ है, जो अपनापन है, वो किसी और रेड कार्पेट में हो ही नहीं सकता. तो ये देसी और विदेशी, आई मीन देसी रेड कार्पेट और विदेशी, क्या अंतर होता है इन दोनों में? विदेशी आप बोल रही हैं, मैं तो देसी बोल रही हूँ. अच्छा, नहीं नहीं, आपको तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है ना, कहीं हर जगह कांस में यहाँ वहाँ. सो हाउ इज द होल एक्सपीरियंस रेड कार्पेट में वॉक करना, कितना केयर करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है ना? पूरी प्रोडक्शन, इट्स लाइक अ होल प्रोडक्शन. एक्चुअली देयर इज़ अ होल टीम ऑफ स्टाइलिस्ट, वो डिसाइड करते हैं कि आज ये इवेंट है रेड कार्पेट का, तो आप क्या पहनेंगी, जूते से लेके हेयर पिन से लेके ज्वेलरी से लेके एवरीथिंग दे डिसाइड. एंड ऑफ कोर्स आई हैव टू बी कंफर्टेबल विद इट. सो अ लॉट ऑफ टाइम एंड प्रिपरेशन गोज इन टू इंटरनेशनल रेड कार्पेट. इट्स नॉट एज कम्फर्टेबल लाइक दिस. यहाँ पे कोई बहुत बड़ी चीज़ आप जो मिस कर रही हो इस रेड कार्पेट में, जो होना चाहिए था? I think it's acha, it's nice and cozy. I like it. Aur media nahi hai. Media aur mera, it's a love affair. Some days are good days when they're nice to me, some days are bad days when they're mean to me. Hi everyone, this is Neha Dhupia and remember to subscribe to the YouTube channel of Zoom TV.